हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। हमारे स्टूडियो के लिए हम कुछ प्रोफेशनल लाइट्स लेके आए हैं, रिफ्लेक्टर लेके आए हैं, कुछ ट्राइपॉड्स लेके आए हैं। आपको सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। क्या बेहतर लाइट लेके आए हैं, ऐसी लाइट कि रात को जला दिया तो दिन निकाल देगी और दिन को जला दिया तो ज़्यादा ही एक्सपोज कर देगी। जल्दी से करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं रिफ्लेक्टर की अनबॉक्सिंग। ये है हमारा 5-in-1 रिफ्लेक्टर। भाई रिफ्लेक्टर ज्यादा बड़ा हो गया था, तो इस साइड से है ये सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर। अंदर इसके अंदर 5 और तरीके के रिफ्लेक्टर आते हैं, डिफ्यूजर आते हैं, वो ये साइड से आप, और ये काफी बड़ा है। आता है एक डिफ्यूजर जो आपको काफी बड़ा दिख रहा होगा, ये लाइट को डिफ्यूज करने के लिए होता है, सॉफ्ट करने के लिए होता है, ज्यादा नॉलेज नहीं है। इस साइड से अगर हम इसे टर्न कर देंगे तो ये गोल्डन कलर का रिफ्लेक्ट देगी, इधर से सिल्वर देगी, इधर से ब्लैक, और थोड़ा हम यूज करते करते सीख लेंगे। तो इसको रखते हैं साइड में। तो ये आ गई हमारी गोडेक्स की किट, ट्रॉली किट आती है। आप इसे मूव करके किसी और लोकेशन में भी ले जा सकते हैं, तो ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी पड़ती है। तो या तो हम ट्रॉली को बाहर निकालते हैं अगर निकल जाती है, वरना यहीं खोलेंगे। चैन और इसका मटीरियल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत लग रहा है मुझे। तो इसके साथ ये आते हैं इसके सॉफ्ट बॉक्स जो बाहर रखते हैं इसके। तो इसके अंदर आता है हमारा रिफ्लेक्टर, प्रीमियम सा चीज़ लग रही है काफ़ी ज़्यादा, पता नहीं ये शायद इसके आगे लगेगी। और फिर उसके बाद इसको थोड़े कपड़े पहनाए जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है कि इसकी स्कर्ट हो, अगर किसी को ऊपर से पहना दिया, हमारे मॉडल को पहना दिया तो स्कर्ट लगेगी पूरी है। तो इसे पूरा एक बार रेडी करना पड़ेगा। इसके अंदर इसकी स्टिक्स आती है ये, और बाहर से लगेगा ये डिफ्यूज़र, और ये है रिफ्लेक्टर। इसके अंदर क्योंकि सिल्वर ये है, ये हो गया रिफ्लेक्टर, ये डिफ्यूज़र, ये इसको शेप देने के लिए स्टिक्स, और ये इसके आगे लगेगा। फिर आप इसका और कमाल देखिए 2 मिनट के अंदर। आता है कुछ मैनुअल्स, किसी को ना चलानी आती हो तो वो पढ़ सकता है, हमें भी नहीं चलानी आती पर हम पढ़ेंगे बाद में। गोडेक्स SK400 Mark II। और अब इसे हम टेस्ट करेंगे कैसी चलती है। इसके साथ बहुत सारी चीज़ें और आती है, सबको असेंबल करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे लाइट है, ये लाइट नहीं है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं है। यहाँ पे लाइट लगती है, नीचे स्टैंड लगता है, इसके आगे डिफ्यूज़र लगता है, फिर ये सेट करा जाता है पीछे से, उसके बाद हम इसे सेट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसका कैसा एक्सपोजर आता है हमारे फेस के ऊपर। तो ये हमारी लाइट है, इसके आगे यहाँ पर होल्डर आता है जहाँ हम बल्ब लगाएंगे, ये इसके अंदर बल्ब आता है जो चूड़ीदार में होता है, आपके घर वाला बल्ब नहीं लगेगा इसके अंदर, देख लो चूड़ी वाला लगेगा। इसको हम अपने अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड स्वाइप करते रहेंगे राइट हैंड साइड, और ये ऐसे टाइट हो जाएगा। और इसके बाद इसके आगे इसमें लगता है एक रिफ्लेक्टर होता है ये भी एक तरीके का, तो इसे आराम से लगाएंगे जो कि ये बल्ब को नुकसान ना दे। दिया ऑन करने का, वो हमने ऑन कर दिया। उसके बाद हम पहले टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने मोड सेट करेंगे। तो हम टेस्ट करने वाले हैं अपने मोड के ऊपर, और हम इसके मोड चेक करेंगे। तो आप देख रहे हैं लाइटिंग कितना फर्क ला रही है, और ये मैंने लाइट बंद कर दी तो कितना फर्क, ये मैंने लाइट बंद कर दी है और ये मैंने लाइट लो कर दी है, मैंने लाइट हाई कर दी। अभी डिफ्यूज़र नहीं लगाया इस वजह से थोड़ी, आप देखिए, और ऐसे करके मैं अपने मुंह से करूँगा। तो जैसे अभी मैंने डिफ्यूज़र नहीं लगाया और मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसे ऑफ करते हैं पहले। तो इसके आगे भी मैंने डिफ्यूज़र नहीं लगाया, अगर डिफ्यूज़र लगा दूंगा तो ये लाइट को और ज़्यादा सॉफ्ट कर देगा। कैमरा मैन से कहेंगे थोड़ा कैमरा पीछे ले जाए, ये हमारी आँखों में ना घुसाए। तो अब हम इसे एक बार डिफ्यूज़र लगा के टेस्ट कर लेते हैं। ये है महेंद्र सिंह बाकोनी जी, वी लॉस्ट कंपनी के पता नहीं क्या जो भी है, ये है द ब्लैक टेप फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर। 10:58 से स्टार्ट किया था इन्होंने लगाना घड़ी का, अभी तक लगा ही रहे हैं। तो भाई बहुत देर से बना रहे हैं, हम इसे कंप्लीट नहीं कर पा रहे क्योंकि ऐसे बनेगा, पर आप हमें समझ में आ गया, हमने एक को गलत करा था, हमें समझ में आ गया, क्योंकि गलतियों से ही आपको पता चलता है कि आप सही कैसे करेंगे। गलतियाँ करती रहें, गलती करती रहनी चाहिए, गलती लाइफ में आपको हमेशा करते रहने चाहिए। हमारे दोनों जो हमारे बॉक्स हैं गोडेक्स के, अब पूरे रेडी हो चुके हैं, ये रहा। बहुत मेहनत से हमने इसे बना लिया है, ये देखो ये पूरा हमने पीछे लगा दिया। बस इसके स्टैंड ये हैं, ये दूसरे लेके आने पड़ेंगे, हम दूसरे ले आए हैं, ये ऐसे ही पूरे अब रेडी हो चुके हैं। ये इसके रिफ्लेक्टर और ये है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको मेरे मुँह पर नेचुरल लाइट कैसी आ रही है और इनको जलने के बाद लाइट कैसे आती है। भैया लोग दिखाओ, ये हमारे आलोक भैया हैं,
थोड़ा नुस्खा है, उसको चला के देखो मेरे फेस पे क्या लाइट का आता है एक्सपोजर, जरा उसको चाल भाई, ये एक चली अभी लाइट और ये दूसरी वाली, इसको थोड़ा और वार्म कर देना लक्ष्य भाई। हाँ ये देखो आप देख रहे हो मेरे फेस पे गोल्डन लुक आ रहा है क्योंकि अभी गोल्डन लाइट चल रही है, ये फ्लैश चल रही है, ये देखो ये फ्लैश चल रही है, तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो जो हम करेंगे अब इसके बाद पोर्टफोलियो शूट करेंगे, यहाँ पे पोर्टफोलियो के स्टैंड भी लिया है, तो काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो शूट होने वाला है, काफ़ी अच्छी लाइटिंग आ चुकी है। देखो भाई ये है पूरा बॉक्स और काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है, एक बंदे ने लगा रखा है एंगल, अलग अलग एंगल से अलग अलग तरीके से अब शूट होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी लोकेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।